नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम हिमाचल प्रदेश में सांगला वैली में हैं। कल रात में हम रक्षम गांव पहुंचे, जिस जगह अभी मैं खड़ा हूं, एक तरफ तो सांगला है और दूसरी तरफ चितकुल। चितकुल इंडिया का लास्ट विलेज है। कल रात में हम सांगला से होते हुए यहां पर पहुंचे। ये बहुत बड़ा गाँव नहीं है, छोटा ही गाँव है। और इस समय रहने की अकोमोडेशन में होटल और गेस्ट हाउस मिला लेंगे तो यहाँ 5 से 8 गेस्ट हाउस और होटल्स हैं, और बाकी इतने ही होम स्टेज होंगे। हमने रहने के लिए अकोमोडेशन होटल एप्पल पाई में ली, 2800 रुपये में डबल ऑक्यूपेंसी रूम, डिसेंट अकोमोडेशन। यहाँ पर एक छोटा सा लॉन बना हुआ है, यहाँ पर आप खड़े होकर देखो, बैठ के देखो, और सामने के सीनिक व्यू देखते देखते आपके 1-2 घंटे कहाँ निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। देखो पहाड़ के ऊपर जो चोटियां हैं, वहां पर कितनी सारी बर्फ दिखाई दे रही है। अच्छा लग रहा है यहाँ पर खड़े होकर। मौसम ठंडा है। कल शाम तक मैंने स्वेटर नहीं पहना था और आज देखो मैंने सुबह स्वेटर पहन लिया, क्योंकि ठंडी है। इस समय सुबह 8:30 बजे का टाइम हो चुका है। तो अब हमारा प्लान ये है कि थोड़ा समय यहाँ बिताएंगे, फिर हम चितकुल जाएंगे। मैंने आपको बताया यहाँ से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इंडिया का लास्ट गांव है चितकुल, वहाँ समय बिताकर वापस जाएंगे और डे एंड हम करेंगे कल्पा में। तो यहाँ से कल्पा जाने के लिए हमें थोड़ा रिटर्न जाना होगा, कल हम जिस रूट से यहाँ तक आए थे। अगर आप विंटर्स में यहाँ आते हैं, मतलब दिसंबर जनवरी में, तो हो सकता है आपको सांगला रुकना पड़े, क्योंकि यहाँ इतनी स्नोफॉल हो जाती है कि रास्ते कभी कभी 1-1.5 महीने के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। अगर आप मॉनसून के समय यहाँ पर आते हैं, मतलब सांगला वैली आते हैं, मैं आप जुलाई अगस्त की बात कर रहा हूँ, तो कोशिश करिए कि आप सांगला में रुकें, क्योंकि बरसात के समय जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो लैंडस्लाइड के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा टूरिस्ट पसंद करते हैं मॉनसून के टाइम कि सांगला रुका जाए। अब नाश्ता करते हैं और लोकल घूमने निकलते हैं। मैंने सोचा कुछ समय हम रक्षम लोकल एक्सप्लोर करते हैं, तो अपने होटल से मैंने वॉक करना शुरू किया। अभी सिर्फ मैं 0.5 किलोमीटर आगे आया हूँ, तो देखिए हमें कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। पानी का करंट देखिए कितना ज़्यादा तेज है। यहाँ पर लोकल भाषा में इसको नाला बोलते हैं। तो ये लोहे का ब्रिज बना हुआ है और नीचे ये व्यू दिखाई दे रहा है हमारे को। व्हाट अ ऑसम व्यू! इतने सारे पत्थरों के बीच से पानी निकलता हुआ वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। एक काम करेंगे, यहाँ से थोड़ा आगे तक जाते हैं, पानी को नजदीक से देखते हैं। पानी में पाँव नहीं डाले जाएंगे, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है और नीचे के जो पत्थर है ना, देखो आर पार दिखाई दे रहे हैं। एकदम क्लीन एनवायरनमेंट, व्हाट अ नेचुरल ब्यूटी। मैं गोप्रो को थोड़ा पानी में डिप करके आपको दिखाता हूँ। पानी देखिए कितना साफ है और कितना आर पार दिखाई दे रहा है। रक्षा में मैं 1-2 होटल्स और विजिट करना चाहता था कि यहाँ पे रहने के अकोमोडेशन देखें। इस समय मैं होटल रुपिन रिवर व्यू आया हूँ देखने के लिए, जिस रूम में अभी मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर ट्विन शेयरिंग में जो टैरिफ है वो है 2,500 रुपीज़। बाहर से बैल्कनी व्यू आपको मैं दिखाता हूँ कितना खूबसूरत है। आइए देखिए, बहुत एक्सक्लूसिव व्यू है। आप सामने देखिए बासपा नदी आपको दिखाई दे रही है और उसका करंट कितना ज़्यादा तेज है, यहाँ से ही महसूस हो पा रहा है। चारों तरफ पहाड़ और ऊपर चोटियों में बर्फ, तो यानी यहाँ बालकनी में एक कुर्सी लेके बैठ जाओ, आप खूब इंजॉय करोगे। गोल्डन व्यू है, एकदम ब्यूटीफुल। चलिए आगे चलते हैं। इस समय हम रक्षम गांव में हैं, हमारे साथ कुछ गांव वाले हैं। एक चीज़ मैंने कल भी नोटिस करी थी और आज भी मैं इनसे बात करते करते नोटिस कर रहा हूँ, सबने जो टोपी पहनी हुई है ये हरे रंग की है। तो ये हरे रंग की टोपी यहाँ चलती है, पूरे किन्नौर में चलती है? पूरे किन्नौर। अच्छा, तो ये समझ लीजिए कि किन्नौर की पहचान है हरे रंग की टोपी एक तरफ और एक तरफ से ब्राउन।
ब्यूटीफुल। यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ जो मकान है ना, मैक्सिमम मकान लकड़ी से बने हुए हैं, तो मुझे जो जानकारी है ये गांव बहुत पुराना है। कितना प्राचीन गांव है? कम से कम 650-700 साल पुराना है जी रक्षम गांव। उस बीच में 700 साल पुराना, उस बीच में दो बार इस गांव को पूरा आग लग के ख़त्म हो गया। ऐसा क्यों? अब ये जो 48 को लगा था ना जी, उस टाइम तो बिजली था नहीं, कोई लड़का वो जा रहा था, वो सूत्र था, उसमें जो है आग लग गई। जो अभी जो लगा वो शॉर्ट सर्किट से जो है बस, तो आग लगने से सारे घर जल, पूरा घर 140 घर जल के राख हो गया जी। सिर्फ चार मकान बच गए जी यहाँ। अच्छा। हाँ जी, बाकी सारा खत्म हो गया जी। यहाँ पर खेती किस किस चीज़ की होती है? फफरा, ओगला, सेब, आलू, राजमा, और यहाँ रक्षम का सेब और राजमा तो बहुत ही मशहूर है। आपने जो पहले बोला फाफरा और ओगरा, हाँ, वो क्या चीज है? वो हम मंगा के आपको दिखा लेते हैं। मंगा सकते हैं? हाँ, अभी मंगा सकते हैं। अच्छा, ये फाफरा और ओगरा आ गया। हाँ जी। तो कुट्टू का आटा बकवीट ये है। हाँ। ये फाफरा, इसको हाँ हमें हिंदी में नहीं मालूम क्या बोलते हैं। फाफरा ही बोलते हैं। फाफरा ही बोलते हैं क्योंकि ये पेपर में आया हुआ था ना जी। तो फाफरा, हाँ जी, आटा बनता है, हृदय रोग से मुक्ति पाओ, हृदय रोग का बड़ा भारी दवाई है ये। अभी हम चितकुल जा रहे हैं तो वापस आने में 2 से 2.5 घंटा लगेगा। पॉसिबल है क्या कि जब हम वापस यहाँ पर लौट कर आएँ तो आप में से किसी के यहाँ पर हम इसकी रोटी खा लें, कुट्टू के आटे की साथ में कुछ लोकल डिश? हाँ जी, मिल जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। हो जाएगा। तो हम 2-2.5 घंटे में वापस लौट कर आते हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। चितकुल के रास्ते पे अभी हम 2 किलोमीटर और आगे आए हैं, फिर से रुक गए हैं ये बहता हुआ पानी देखने के लिए। व्हाट अ व्यू! सांगला वैली, जितना मैंने इसके बारे में सुना था ना, उससे बढ़कर मैं इस जगह को पा रहा हूँ। शांति है, इस समय सिर्फ पानी की साउंड सुनाई दे रही है। आप कहीं भी चट्टान के ऊपर बैठ जाओ और इस नज़ारे को जी भर के इंजॉय करो। ब्यूटीफुल। 10-15 मिनट रुकेंगे यहाँ पर, फिर चितकुल को जाएंगे। रक्षम से 12 किलोमीटर का सफ़र करके हम चितकुल गांव के पास पहुंच चुके हैं। गांव यहां से हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। गाड़ी हमने रोकी है ये व्यू देखने के लिए। सामने आप बोर्ड पर देखिए, ऑल्टीट्यूड 11,320 फीट, इंडियाज़ लास्ट विलेज चितकुल। व्हाट अ गोल्डन व्यू, मज़ा आ गया, क्या बात है। इस तरफ बहुत सारे पेड़, बड़े बड़े पत्थर, यहाँ बड़े बड़े पहाड़, पहाड़ की चोटियों पे बर्फ। नीचे देखिए बास्पा नदी कितनी खूबसूरत लग रही है। ये पत्थरों के बीच से निकलती निकलती नदी अपना रास्ता तो बना ही लेती है। आगे चलकर मैंने कल भी देखा था, बास्पा नदी और सतलुज का संगम हो जाता है करछम में, उसके आगे ये नदी बन जाती है सतलुज। जब से हम सांगला वैली आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सांगला वैली अपने आप में एक आइटनरी है। आप 3 से 4 दिन के लिए यहाँ पर आइए, कोई सीनिक व्यू पॉइंट नहीं है। कहीं भी अपनी गाड़ी को रोको या पैदल चलते चलते बैठ जाओ और 1-2 घंटे आपके कहाँ निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लो जी, चितकुल गांव भी पहुंच गए और हमने हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे के भी यहां से दर्शन कर लिए। यहां देखिए लिखा हुआ है, ठहरी है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, देखना ना भूलिए। मैं आपको यहां से दिखाता हूं, ये देखिए कुछ लोग वहां पर बैठकर खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहां पर आके ढाबे में बैठकर अगर हम नदी का व्यू देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। चलिए नीचे चलते हैं। नीचे चलने से पहले एक बार आप ये चीज़ नोटिस करिए, इस तरफ के जो पहाड़ हैं यहाँ पर हरियाली कम है और उस तरफ तिब्बत है। तो यहाँ से आगे मोटरेबल रोड ख़त्म है, आगे आप ट्रैकिंग करके जा सकते हो। कुछ देर ढाबे में बैठते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद हम नदी किनारे चलेंगे। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो लार्जली 1-2 दिन रहते भी हैं, प्लस ट्रैकिंग के ऑब्जेक्टिव से भी आते हैं, क्योंकि यहाँ से ट्रैक करके आप हरसिल तक जा सकते हो। हाई डिफ़िकल्टी ट्रैक है, लेकिन हरसिल तक जाने का रास्ता है गढ़वाल उत्तराखंड, जो लगभग 5 से 6 दिन का ट्रैक है। बहुत खूब,
मज़ा आ गया। यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स, होमस्टेज और गेस्ट हाउसेज भी हैं। मोबाइल नेटवर्क आपको यहाँ पर केवल BSNL का मिलेगा। चलिए ढाबे को चलते हैं। लो जी, हमने अपने लिए चाय मंगवा ली है। चैनल सब्सक्राइबर्स यहाँ में मिल गए हैं। चाय आप लो और बिस्किट भी लो साथ में। ये बिस्किट मैं ना साथ कैरी करता हूँ, मेरे को आटे के बिस्किट बहुत पसंद है, तो रोज़ खाते रहते हैं चाय के साथ। अपना 15-20 दिन की जर्नी हो जाती है। सही है, चाय अच्छी बनाई है। तो आप लोग रात को चितकुल में रुकने वाले हो कि रुके हुए हो? हम लोग कल रात भी थे और आज रात भी यहीं रुके हैं। लवली, 2 nights चितकुल में। कौन से होटल में? तो हम लोगों ने खुद का कैंप लगाया यहीं पे पास में। अच्छा, चितकुल में अपना खुद का कैंप लगाया, क्या बात है। और स्पीति जाने वाले हो? हाँ, यहाँ से स्पीति जाएंगे। लवली, मज़ा बड़ा आ रहा है। तेज हवा चल रही है, पीछे अपने को बसपा नदी दिखाई दे रही है, सामने वो पुल बड़ा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ बैठ के चाय पियो, खाना खाओ या वैसे ही बैठ जाओ, बड़ा मज़ा आ रहा है। 2-2.5 घंटे तो इधर बैठ के आदमी गुजार ही सकता है। बिल्कुल लवली प्लेस। यहाँ पर सामने जो बस खड़ी हुई है ना, ये 2 बजे जाएगी रिकांगपिओ। दिन में एक ही बस है। अगर आपको चंडीगढ़ जाना है तो लगभग 4 बजे का टाइम है चंडीगढ़ की बस का। इस समय कोविड की वजह से तो नहीं आ रही, लेकिन आगे चलकर वो बस सर्विस रिज्यूम हो जाएगी। चलिए नदी किनारे चलते हैं। हम नदी किनारे आ चुके हैं। यहाँ पर हवा बहुत तेज चल रही है। मैं अंदाज लगाने की कोशिश कर रहा हूँ शाम को 6 या 7 बजे के बाद यहाँ पर मौसम कैसा होता होगा। मतलब हवा भी ठंडी होती होगी और मौसम भी काफ़ी ठंडा रहता होगा, क्योंकि अभी देखो दोपहर में 2:30 बजे ही इतनी ठंडी हवा है। बेहतरीन। सामने आप पानी का करंट देखो। मैंने ना अपने जूते उतार लिए हैं। मेरा मन हो रहा था कि 10-20 सेकेंड कुछ सेकेंड पानी में पाँव डालें, तो इसलिए मैंने चप्पल पहन ली है। आइए पानी के पास चलते हैं। ओहो, पानी में पांव डालकर बहुत मजा आ रहा है, लेकिन 5 या 10 सेकंड ही डाल सकते हैं, इसके ऊपर नहीं डाल सकते। बहुत ठंडा पानी है। ये दिल खुश हो गया। ये जगह तो मेरे को बेहद पसंद आ गई है। वाकई में मन हो रहा है कि अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आज रात को चितकुल में ही रुक जाता। इतना अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पर। तेज हवा, पानी का करंट, इतने सारे पत्थर, दूर दूर तक पहाड़। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। नदी किनारे मैं कैंपिंग साइट देखने आया। मैंने पता लगा लिया है इनके पास अभी 4 कैंप हैं। 2 लोग एक कैंप में रहते हैं तो उसका चार्ज 1500 रुपये है। नवंबर से लेके मार्च तक कैंपिंग नहीं होती, क्योंकि यहाँ बहुत सारी बर्फ़ गिर जाती है। भैया अपना वो दिखाओ मेरे को कुछ कार्ड। तो खाना बनाते हो आप? तो आपका नाम क्या? योगी ब्रदर्स। वेरी गुड। नीचे ना इनके फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं, तो एक बार आप यहाँ से देख सकते हैं। कितने सालों के कैंप चलाते हैं? ये हो गए 3 साल। 3 साल हो गए। चलो सही है। हम लंच के लिए रक्षम पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले हमने जो रूपिन होटल देखा था ना, उसके सामने इसी होटल की एक और ब्रांच है। हम यहाँ पे लंच करने वाले हैं। भाई साहब, ये देख के लग रहा है कि आपने लंच रेडी कर दिया है। ठीक है, तो मेरा मन हो रहा है कि नीचे बाहर बैठ के खाएं। सही रहेगा ना? तो आप बाहर करवा दीजिए। थैंक यू। जब तक हम लंच की वेट कर रहे हैं, सराउंडिंग्स मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी हैं, और आपका ये जो प्रॉपर्टी है थोड़ी हाइट पे होने से ना दूर दूर तक व्यू दिखाई देता है। वेरी नाइस। हम एक तरह से ना
किन्नर कैलाश की बैक साइड में अभी। बिल्कुल। तो जब हम कल्पा जाएंगे वहाँ से आपको किन्नर कैलाश के दर्शन करवाएंगे। आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि कल्पा पहुँचने में आज हमें थोड़ा लेट हो सकता है, तो ये काम हम कल करेंगे। बड़ा आपने टेम्पटिंग लंच हमारे लिए तैयार करवाया, ज़बरदस्त। एक बार मैं आपको बता देता हूँ लंच में क्या क्या हमारे लिए। ओगला, फाफड़ा, बकवीट और साथ में ये लोकल आलू से सब्जी बनाई है, आलू गोभी, लोकल राजमा, ये किन्नौरी स्पेशल राजमा है, बहुत फेमस है यहाँ के राजमा। ये राजमा बनने के बाद देखिए कैसे दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था ओगला और फाफड़ा के बारे में। ये जो डार्क ब्राउन आप देख रहे हैं ये ओगला है, बकवीट, और लेफ्ट हैंड साइड पे फाफड़ा, ये हल्का सा बिटर रहता है। साथ में इन्होंने हलवा तैयार किया है जो कि ओगला से तैयार किया गया। मुझे याद नहीं मैंने आज से पहले कभी कुट्टू के आटे से बना हुआ हलवा खाया है, ये मेरे लिए एकदम नई चीज़ है। किन्नौरी राजमा हम खा रहे हैं किन्नौर में आके, देखो कितनी बड़ी बात है। सेब नहीं खाने को मिले क्योंकि हमारी टाइमिंग ठीक नहीं है। सेब कभी आएगा यहाँ पर? सितंबर में आएगा। यहाँ का सेब सबसे आखिरी तक चलता है ना, सितंबर से नवंबर यहाँ का सेब मिलता है। लो जी ऐसे राजमा टेस्ट करेंगे। किन्नौरी राजमा बहुत अलग है, बहुत अलग है। राजमा का दाना पकने के बाद बड़ा साइज में बड़ा हो गया और वेरी टेस्टी, यूनिक टेस्ट है। और हल्की हल्की मेरे को ऐसा लग रहा है राजमा में हल्की हल्की मिठास है। बाजार में राजमा क्या रेट मिलता है किलो? 180 रुपए किलो। अच्छा, इस डिश को इन्होंने नाम दिया है किन्नौरी आलू विद बटर, लवली। तो यहाँ आलू की काफी उपज है ना, आज पता लगा हमें। यह अंदाजा नहीं था कि आलू के टेस्ट में इतना फर्क आ सकता है। आलू तो हमारे घर में एवरी सेकेंड डे कुछ ना कुछ बनी रहा होता है आलू का, लेकिन ये तो स्वाद बहुत अलग है। इस तरह का आलू का टेस्ट सही मायने में मैं पहली बार ले रहा हूँ। रीज़न ये है, एक तो किन्नौरी आलू वो तो है ही है, और साथ में उसको बनाने का तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने जैसे बताया कि इसको आलू को फ्राई करके फिर काजू की ग्रेवी बनाकर, लेकिन मसाले एकदम मॉडरेट हैं, कोई तीखापन कुछ नहीं है। ये जो हम डिश खा रहे हैं इसको चिल्टा बोलते हैं यहाँ लोकल लैंग्वेज में। कुट्टू के आटे को पानी में ऐड करके जैसे पैनकेक बनाते हैं ना, उस प्रकार से ये तैयार करते हैं। इसका कॉम्बिनेशन मेरे को आलू के साथ काफ़ी अच्छा लगा, राजमा के साथ तो आउट ऑफ प्लेस था। और वैसे भी ये कुट्टू के आटे का शुगर पेशेंट्स के लिए अच्छा रहता ना। मटन की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है और ओवरऑल मसालेदार। अच्छा हो गया हम ऊपर रेस्टोरेंट में नहीं बैठे, नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं। यहाँ पर एक तो धूप है, ठंडी हवा साथ चल रही है, और हर दो दो मिनट में लेफ्ट राइट नज़ारा भी देखते रहो। सामने देखो पहाड़ के ऊपर जो चोटी पर कितनी सारी बर्फ़ है, कितना देखो यूनिक एक्सपीरियंस है। ऐसे एनवायरनमेंट में आप बैठे हुए हो जब आपको सामने बर्फ़ दिखाई दे रही है, दूर दूर तक पहाड़ दिख रहे हैं, ऊपर बादल है। बड़ा रिलिश करके मैंने लंच किया है। अब ये मीठा हलवा टेस्ट करेंगे जो कुट्टू के आटे से तैयार किया गया। पहली बार मैं इस तरह का हलवा खा रहा हूँ, तो मुझे लगता है 3-4 बार खाएंगे तो इसका टेस्ट डेवलप होगा। एकदम से अपील नहीं करता क्योंकि आज तक तो हम हलवा जो खाते हैं वो आटे का या सूजी का सीरा होता है, तो इसको कुछ बार खाएंगे तो टेस्ट डेवलप हो जाएगा। जब हम शिमला डिस्ट्रिक्ट से किन्नौर की ओर आ रहे थे, किन्नौर एंटर करने के बाद मैंने देखा पूरे डायनामिक्स बदल गए, हमें बहुत अच्छा लगने लगा। सांगला वैली एंटर करने के बाद जो आज हम सुबह से देख रहे हैं, ये जगह मुझे बताऊं इतनी पसंद आ गई है कि वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। इस समय जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, सबसे बेहतरीन जो एक्सपीरियंस है वो है नदी की साउंड का, क्योंकि नदी से हम देखेंगे तो हार्डली 100-150 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो ऐसी जगह अगर आप रात को रहते हो तो रात के समय जब एकदम शांति होगी तो सिर्फ आपको नदी की साउंड सुनाई देगी, ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत यूनिक है। जब आप सांगला वैली आएंगे
तो कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाइएगा, एक दिन आप सांगला रुकिए, एक दिन आप रक्षम रुकिए और एक दिन आप चितकुल रुकिए। काफ़ी लोग क्या है एक जगह रुककर तीनों पॉइंट्स ऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर आप चितकुल में रुकते हैं फॉर एग्जांपल, तो सुबह जो 6:30 बजे का 6 बजे का व्यू होगा वो एकदम अलग होगा। चितकुल में शाम को 7 बजे का व्यू एकदम अलग होगा। तो ये व्यू इंजॉय तो तभी हो सकता है जब आप उस जगह रुके हो। आज सुबह मैं रक्षम में जब था तो मेरी नींद थोड़ी लेट खुली, लेकिन मेरे को लग रहा था मैंने मिस कर दिया। अगर मैं सुबह 5:45 बजे उठता तो मेरे को बेहद मज़ा आता, जितना मज़ा आया उससे भी ज़्यादा आता। चलिए, हमने यहाँ पर खूब इंजॉय किया, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सांगला के लिए। कोशिश करेंगे सांगला पहुँचकर हम कामरू फोर्ट विज़िट करें। इस समय मालूम नहीं है कामरू फोर्ट खुला हुआ है कि बंद है, वहाँ जाने के बाद ही हमें पता चलेगा। तो आपको हम कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करते हैं। जैसे हमने सांगला एंटर किया तो मैंने नोटिस किया सांगला में बड़ा सा बाज़ार लगा हुआ था। चितकुल और रक्षम में तो कोई ऐसी मार्केट नहीं थी, लेकिन यहाँ एक बड़ा बाज़ार भी है। तो वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और आगे हम आए, थोड़ी सी हमने चढ़ाई चढ़ी और अब हम ऐसे पॉइंट पर पहुँच चुके हैं, गाड़ी इसके आगे नहीं जाएगी, गाड़ी हमने खड़ी कर दी है। यहाँ से हमें लगभग 20 मिनट ऊपर पैदल जाना होगा तो हम कामरू फोर्ट पहुँच जाएंगे। चलिए चलते हैं। दस मिनट लगभग ऊपर चढ़ के हम एक ऐसे पॉइंट तक आ चुके हैं जहाँ पर श्री बद्री विशाल जी का मंदिर है। सामने आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। मुझे यहाँ के स्थानीय निवासी ने बताया कि इस समय देवता बाहर गए हुए हैं, तो ऐसा थोड़ा देर का राउंड करके उनको यहाँ पर वापस लेके आते हैं, तब तक आप ऊपर कामरू फोर्ट होकर वापस आ जाइए। हम टेंपल के पास ही थे तो हमें प्रसाद में सेब मिला, देखिए आप कितना सॉफ्ट है। वैसे किन्नौरी सेब का जो टाइम आएगा ना वो सितंबर में आएगा, तो अभी लगभग 2 महीने का टाइम बाकी है। बहुत स्वादिष्ट है, वेरी टेस्टी। फिनिश करके यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे। हम कामरू फोर्ट तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये भाई साहब ने हमें बताया कि अंदर जाने से पहले आपको टोपी पहननी होगी और साथ में इन्होंने हमें गच्छी दी है, तो इसको ऐसा बांध लेंगे जैसे इन्होंने बांधी हुई है। हम फोर्ट के बाहर आ चुके हैं। भाई साहब ने हमें बताया कि इस किले पे 122 राजाओं ने राज किया है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए ये फोर्ट कितना प्राचीन है। फोर्ट के अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, मतलब टूरिस्ट नहीं जा सकते। टोटल ये 7 मंजिला फोर्ट है। नीचे के जो 2 मंजिल हैं ये तो पत्थर के हैं और ऊपर के 5 मंजिल लकड़ी से बने हैं। आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है, गाँव के बीचों बीच ये फोर्ट है। इन्होंने हमें एक चीज़ और बताई कि यहाँ पर ना कामाख्या माता जी का भी मंदिर है, कामाख्या देवी जी जो असम में गुवाहाटी में, तो ये भी काफ़ी प्राचीन स्थान है। अभी इनसे हमारी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बताया कि इन्हीं के नाम से इस गांव का नाम कामरूप पड़ा। दर्शन कर सकते हैं? कर सकते कामरू फोर्ट से कुछ सीढ़ियाँ उतरकर इस समय हम श्री बद्री विशाल जी के मंदिर तक आ चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं श्री बद्री विशाल जी गांव का फेरा लगाकर अपनी पालकी में अपने मंदिर तक आ चुके हैं। यहाँ पर हमने श्री बद्री विशाल जी के बहुत खूबसूरत दर्शन करे।
इस समय हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से कल्पा जाने को निकल रहे हैं। रास्ते में रिकोंगपियो भी आएगा, लेकिन वहाँ पर अभी हम नहीं रुकेंगे क्योंकि रात का समय होगा। कल हम रिकोंगपियो घूमने आएंगे। चलिए अब यहाँ से बाहर पार्किंग तक चलते हैं और उसके बाद ऑन वे टू कल्पा। अच्छा भाई साहब, ये क्या है? जौ का भूसा है? जौ का भूसा, हाँ जौ का भूसा है। जौ का भूसा, तो इसका आप क्या करोगे? इसका है कि सर्दी के लिए अपना पशु पशु के लिए खिलाने के लिए ना, पशु आहार स्टोर रखना पड़ता है इसको हमारे को। अच्छा, सर्दी के लिए। ये किसी और काम भी आता है? और क्या, ये सत्तू सत्तू बनाने का, इसका जो दाने होते हैं ना, हाँ हाँ, इसका झाड़ा हुआ है, झाड़ झूड़ के इस दाने के लिए वो सत्तू सत्तू बना लेते हैं हम लोग। जौ का सत्तू बनाओगे? सत्तू बना लेते हैं हम लोग। और उसके बाद आप खाओगे? ये मीठा सत्तू बुद्ध जयंती के, बुद्ध जैसा वो लामा लुमा नहीं होते हमारे जो यहाँ लोकल, उसके उसके लिए भी काम आता है ना, बौद्धिस्ट के लिए भी काम आता है उसका, जो बना लेते हैं ना, जो तरमातरमा जैसा बना लेते हैं उसके लिए काम आता है। इसका कितना वजन होगा? होगा 10-12 किलो। रख दो आप, ट्राई करूँ मैं? कर लो, कर लो बिल्कुल जनाब। थोड़ा हमें आइडिया लगेगा ना कि आप लोग कितना मेहनत का काम करते हो, एक बार हम भी उठा के देखें। आराम से करके देखें, आराम से करो, दोनों हाथ करके देखें। लगाओ लगाओ, दोनों लगा दो। दूसरा वाला कहाँ? एक मिनट, हेलो लगा दो, आप दोनों लगा सकते हैं आराम से, आराम से लगाओ, बस उठा लो आप। ये 10-12 किलो लग रहा है, कम से कम 25 किलो होगा। नहीं नहीं नहीं, आपको ऐसा लग रहा है? 10 किलो तो नहीं है, 10-12 किलो है, हमारे को इतना ही लगता है। आपको ज्यादा लग रहा है ना? ज्यादा नहीं लग रहा, बहुत ज्यादा लग रहा है। आप ऐसा चक रहे हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है। अच्छा जी, तो आप लोग इसको उठा के कितना चल लेते हो? ये तो फिर हमारा तो फिर अब रूटीन चलता ही रहता है ना, बस कम से कम ये 15-20 किलोमीटर भी चल पाएंगे इसको उठा के। अब हम कहाँ से आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं ना, ये इसको उठा के आप 15 किलोमीटर चल लेते हो? बड़ी हिम्मत है आपकी, आप भी चल लेते हो इसको उठा के? हिम्मत है आप लोग की, हिम्मत है। मैं तो सच बताऊं 100 मीटर में खत्म हो जाएगी अपनी। नहीं ये है, ये देखो कितना भारी है, बड़ी ताकत भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए। चलो अभी रख देते हैं। वैसे एक बात है, जब हम अभी किन्नौर कल दोपहर में आए, यहाँ पर आके मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों के चेहरे में ना बहुत लाली है, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा मौसम की वजह से, मौसम की वजह से, और सब लोग मुस्कुरा के बात करते हैं जैसे कि आप। चलो अच्छा लगा आप सब मिलकर, धन्यवाद। फाइनली रात को हम 9:45 कल्पा पहुंच चुके हैं। वैसे तो पहाड़ में सफ़र करते समय अवॉइड करना चाहिए किसी भी तरह की नाइट ड्राइविंग नहीं हो, लेकिन आज का ये ट्रैवल अनअवॉइडेबल था क्योंकि कल्पा में हमने पहले ही बोल रखा था कि हम आने वाले हैं। रोड काफ़ी अच्छी थी, सांगला से आप जानते ही हैं हम कितने बजे निकले, थोड़ा लेट हो गए थे। सिर्फ मैं कल्पा रोड की बात नहीं कर रहा, एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ। पिछले 3 दिन में हम जहाँ जहाँ गए, चाहे वो चितकुल था, रक्षम था, या इससे पहले सराहान था, हर तरफ हमें रोड्स अच्छी मिली। बीच में थोड़े पैचेस ख़राब आते थे, लेकिन वो काफ़ी छोटे पैचेस हैं। ओवरऑल किन्नौर जैसे ही हमने एंटर किया, पूरे डायनामिक्स बदल गए। ये बात मैं आपको पहले भी 3-4 बार बोल चुका हूँ। यहाँ पर हमने किन्नर विला होटल में रहने के लिए अकोमोडेशन लिया है, डबल ऑक्यूपेंसी में हमको 2000 रूम टैरिफ मिला है। मैं पिछले 4-5 दिन से देख रहा था फुल मून डे कब है, वो तो मालूम था, लेकिन मेरे मन में था कि हम कल्पा पहुँचे और उसी दिन फुल मून डे हो तो बहुत मज़ा आएगा। मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने बोला था अब यहाँ से मून व्यू करना आपको अच्छा लगेगा, तो यहाँ पर ना ऊपर टेरेस में चलते हैं और वहाँ से हम भी मून व्यू देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आइए आओ जी, ऊपर हम टेरेस में आ गए। वाओ, यहाँ से देखो एकदम क्लियर मून व्यू। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहली बार फुल मून देख रहा हूँ, जबकि बहुत बार पहले देख चुका हूँ, लेकिन इतना क्लियर मैंने शायद कभी नहीं देखा। अच्छा लग रहा है, आप भी देखिए। आज आपको मैं यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ, अब आपसे हमारी मुलाकात कल होगी। कल का हमारा प्रोग्राम ये है कि कल लोकल कल्पा में घूमेंगे। इस मोमेंट पे मैंने डिसाइड नहीं किया, रात में कल्पा रुकें कल या ना रुकें, वो मैं कल मॉर्निंग में डिसाइड करता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन क्या क्या एक्टिविटीज़ कल हम करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप अच्छे से मून व्यू देखो और मैं आपको बाय बाय कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर योर टाइम।